करने वाले हैं एनसीईआरटी की इस टेबल को याद करने की ट्रिक। ये टेबल है एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स की, मतलब सिंपल सी भाषा में बोलूं तो सेल में क्या क्या होता है और कितना कितना होता है। अब हमें सिंपली याद रखना है कि सेल के अंदर कौन सा कंपोनेंट मैक्सिमम है, कौन सा उससे कम है और कौन सा मिनिमम है, ठीक है। तो बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे हमें ये पूरा ऑर्डर याद हो जाएगा कि कौन मैक्सिमम है, कौन उससे कम, कौन मिनिमम, ऐसे करके एक ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। देखो एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूं, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम वाटर होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट की बात कर लें तो उसमें वाटर मैक्सिमम होता है, तो बॉडी में वाटर मैक्सिमम तो सेल में भी वाटर मैक्सिमम ही होता है, ठीक है, सिंपल है। तो मैक्सिमम हुआ वाटर, बस आपको यही चीज याद रखनी है। अब देखो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सेल की कॉम्पोजिशन बताओ, तो हमें सिंपली एक ही बात पता है कि सेल में वाटर मैक्सिमम होता है, बस आपको ये वाटर याद रखना है। अब मैं बोल रहा हूं कि आज आपके घर में पानी नहीं आया, पानी कल आएगा, ठीक है। हमें वाटर से क्या याद आया कि आज पानी नहीं आया, पानी कल आएगा। अब यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है कि पानी कल आएगा। देखो पानी पी एन से हुआ पानी, कल सी एल से हुआ कल, आएगा से हुआ आई, ठीक है। पी से प्रोटीन, से एन से न्यूक्लिक एसिड, सी से कार्बोहाइड्रेट्स, एल से लिपिड्स, आई से आयंस, ठीक है। तो ये मैंने लिखे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि मैक्सिमम होगा प्रोटीन, फिर मिनिमम हो जाएगा आयरन, ठीक है। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, आयंस। अब स्टार्टिंग से करते हैं एक बार। देखो हमारे पास क्वेश्चन आया कि सेल की कॉम्पोजिशन बताओ, ठीक है। तो हमें एक जनरल नॉलेज की बात पता है कि पानी होता है मैक्सिमम, सेल में पानी होता है मैक्सिमम, और पानी से हमें ट्रिक याद आई कि पानी आज नहीं आया, पानी कल आएगा, ठीक है, पानी कल आएगा। ये प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, आयरन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हुआ वाटर, फिर हुआ प्रोटीन, फिर हुआ न्यूक्लिक एसिड, फिर हुआ कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर आयरन। हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर की इस टेबल को याद करने की ट्रिक, देखो मैंने इस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट है कि जिसमें हमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, इनके नाम से ही ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हम अपनी ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो पहले करते हैं ऑटोमेटिक याद होने वाला पार्ट। देखो इसमें फर्स्ट है टेरेपिनोइड्स, अब ये नाम से याद हो जाएगा, दोनों में आ रहा है टेरेपिन्स टेरेपिन्स, और ये है टेरेपिनोइड्स। तो टेरेपिनोइड्स के एग्जांपल हुए मोनोटेरेपिन्स एंड डायटेरेपिन्स। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑयल, अब इसके नाम में ही आ रहा है ऑयल, और यहाँ पे एग्जांपल में है लेमन ग्रास ऑयल, अब ये ऑयल से ऑयल मैच हो जाएगा तो ये भी ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पिगमेंट, अब ये कोई बड़ी साइंस नहीं है कि कैरेटिनोइड्स और एंथोसियानिन पिगमेंट होते हैं, ये बात सबको पता है, ठीक है, हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा है और बाकी चैप्टरों में भी हमें पता है कि कैरेटिनोइड्स और एंथोसियानिन क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, तो इसमें कुछ याद नहीं करना था। अब लास्ट है पॉलीमर, तो इसमें भी आप देखो हम रबर कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, पॉलीमर, गम्स का भी हमें पता है पॉलीमर होते हैं, और सेलुलोज भी एक टाइप का क्या होता है, पॉलीमर, तो इसमें भी कुछ हमें याद नहीं करना था, ठीक है। अब करते हैं अपना ट्रिक वाला पार्ट। देखो इसमें सबसे पहले है अल्कलॉइड्स, इसको कैसे याद रखें, देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। एक लड़की है जिसका नाम है अलका, अब अलका कौन है ये सीक्रेट है, बस ट्रिक याद रख लो, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम है अलका, अलका को मोर पसंद है, मोर जो बर्ड होता है पीकॉक, ठीक है, अलका को मोर बहुत पसंद है, तो अलका से आया अल्कलॉइड्स, को से आया कोडीन, और मोर से आया मोरफिन, तो अल्कलॉइड्स में है कोडीन एंड मोरफिन। अब नेक्स्ट है लैक्टिंस, देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, आप कॉलेज में पढ़ते हो और आपको पता है कॉलेज में बच्चे कितना कम लेक्चर लगाते हैं, ठीक है, तो आप लेक्चर लगाने से पहले अपने दोस्तों से पूछ रहे हो कि लेक्चर कौन कौन लगाएगा, ठीक है, आप पूछ रहे हो लेक्चर कौन कौन लगाएगा, तो लेक्चर से हमारे पास आया लैक्टिंस, और कौन से आया कॉनकलेविन ए, ठीक है, लेक्चर कौन कौन लगाएगा, लेक्चर से लैक्टिंस और कौन से कॉनकलेविन ए। नेक्स्ट है ड्रग्स, देखो अगर कोई ड्रग्स लेता है तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे, आप उसको एडवाइस दोगे कि ड्रग्स को डालो डस्टबिन में और हेल्दी चीजें खाया करो, हेल्दी चीजें जैसे ककंबर, ठीक है, ड्रग्स को डालो डस्टबिन में और हेल्दी चीजें जैसे ककंबर खाया करो। तो ड्रग्स से आया ड्रग्स, और डस्टबिन से याद आ जाएगा हमें विनब्लास्टिन, और ककंबर से याद आएगा कुर्कुमिन, ठीक है, ड्रग्स से ड्रग्स, डस्टबिन से विनब्लास्टिन, और ककंबर से कुर्कुमिन। अब लास्ट है टॉक्सिन, देखो इसकी सबसे सिंपल ट्रिक है, सिंपली टार, जो रोड बनाने में यूज होता है, आपको पता है टार क्या होता है, रोड बनाने में यूज होता है, ठीक है, सिंपली टार, टी से टॉक्सिन, ए से अब्रिन, और आर से राइसिन, ठीक है। हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की इस टेबल को याद करने की ट्रिक। देखो एनसीईआरटी की टेबल्स को याद करने का सिंपल सा फंडा है कि कुछ ऐसा मेथड लगाओ कि आपको डायरेक्ट जो वर्ड्स हैं वो एग्जाम में क्लिक कर जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार रटते रहें और बार बार भूल जाएं, कुछ ऐसा मेथड लगाएंगे कि डायरेक्ट वर्ड्स आपको क्लिक कर जाएं।
तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हीट। देखो व्हीट का क्वेश्चन आते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए, व्हाट इज हिमाचल, व्हाट इज हिमाचल। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हिमाचल, तो आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा कि हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग छुट्टियां काटने मतलब रेस्ट करने जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज हिमाचल, हिमाचल क्या है, हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग रेस्ट करने जाते हैं। तो व्हाट से हमारे पास आया व्हीट, हिमाचल से आ जाएगा हिमगिरी जो व्हीट की वैरायटी हो गई, और ये हो जाएंगी हमारे पास डिजीज। हिली से आई हेलबंट और रेस्ट से आई रस्ट, सिंपल है। अब नेक्स्ट है ब्रासिका। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, हमारे इंडिया में जो सोना होता है, सोना यानी स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण को क्या बोलते हैं हम, सोना। तो हमारे इंडिया में जो स्वर्ण या सोना होता है वो कैसे कलर का होता है, हमें पता है वो येलोइश कलर का होता है, पर जो ब्राजील में स्वर्ण होता है यानी ब्राजील में जो सोना होता है वो व्हाइट कलर का होता है, सिंपल है। जो ब्राजील में स्वर्ण होता है वो व्हाइट कलर का होता है, तो ब्राजील से हमें याद आएगा ब्रासिका और स्वर्ण से याद आएगा पूसा स्वर्णिम और व्हाइट से हमें याद आएगा व्हाइट रस्ट, ठीक है। ये क्रॉप हो गई, ये वैरायटी हो गई और ये डिजीज हो गई, सिंपल है। अब नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर। देखो इसकी भी अगर आप ट्रिक बनाने की कोशिश करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। देखो सिंपल है, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी गोभी, फूल गोभी। तो आपने फूल गोभी को देखा है, कॉलीफ्लावर को देखा होगा, वो कैसी दिखती है, बिल्कुल सफेद कलर की कैसी दिखती है, एक बर्फ के गोले जैसी। बर्फ के गोले को हम क्या बोलेंगे, स्नोबॉल, ठीक है। कॉलीफ्लावर कैसी दिखती है रियल लाइफ में, बर्फ के गोले जैसी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा स्नोबॉल, मतलब बर्फ का गोला। तो एस फॉर स्नोबॉल से हमें याद आ जाएगा एस फॉर सुभ्रा। तो कॉलीफ्लावर की दो वैरायटी, पूसा स्नोबॉल एंड पूसा सुभ्रा। सुभ्रा कहां से याद आएगी, एस से, एस फोर था स्नोबॉल और एस फोर आ जाएगा सुभ्रा। अब इसकी डिजीज देखो, आपने गोभी को देखा हो अगर ध्यान से तो व्हाइट गोभी पे आपने ब्लैक ब्लैक मार्किंग ही देखी होंगी, ठीक है। गोभी पे आप ध्यान से देखना, जो ब्लैक ब्लैक मार्किंग ही होती है वो होता है ब्लैक रोट, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ याद नहीं करना था, ये ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट है काउपी। इसकी ट्रिक हम करेंगे काऊ से, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो जो काऊ होती है, जो गाय होती है, उसे हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। हमें पता है कि काऊ को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, पवित्र मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कोमल मानते हैं, सिंपल है। काऊ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं, तो ये कोमल तो यहां से याद हो गया, सिंपल है। अब आगे चलते हैं। देखो काऊ के मिल्क में आपने सुना होगा, टीवी में एड भी आती है कि काऊ के मिल्क में ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब काऊ का जो मिल्क होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। काऊ का मिल्क ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। तो काऊ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं और उसका मिल्क एंटीबैक्टीरियल होता है। तो काऊ से हमें याद आया काऊपी, कोमल से आया पूसा कोमल, और एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियल से हमें याद आ जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। अब लास्ट है चिली। देखो वीडियो खत्म करने से पहले एक ही एडवाइस दूंगा कि सदा चिल करो, मतलब हमेशा मजे करो, सदा चिल करो। तो सदा से आया पूसा सदाबहार और चिल से आया चिली, मतलब चिली की जो वैरायटी है वो कौन सी है, पूसा सदाबहार, सदा चिल करो। अब देखो इसकी डिजीज, देखो इसके नाम से ही हो जाएगी, चिली से हमें याद आ जाएगा चिली मोजेक वायरस। अब चिली मोजेक वायरस से हमें एक आइडिया लग गया कि पूरी टेबल में जो मोजेक वायरस वर्ड है वो सिर्फ चिली में यूज हो रहा है, तो टोबैको मोजेक वायरस भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा चिली में। अब देखो नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है और इसको याद करने के लिए बच्चे बिना बात पे लंबी लंबी ट्रिक्स बनाते रहते हैं जो बाद में याद भी नहीं आती है। तो ये पूरी लगभग कॉमन सेंस पे बेस्ड है, एक दो पॉइंट बीच में ऐसे आएंगे जहां पे ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी ये कॉमन सेंस से अपनी हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैन, मैन लगा के चलो, ह्यूमन ही लगा के चलो। अब ह्यूमन का साइंटिफिक नेम सबको पता है क्या होता है, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। अब नाम हमने नोमेनक्लेचर में किया था कि इसमें होमो क्या हो जाएगा इसका जीनस और सेपियंस क्या हो जाएगी स्पीशी हो जाएगी, ठीक है। अब ह्यूमन है तो हमें पता है ह्यूमन कौन से किंगडम में आएंगे, एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम में भी ह्यूमन कौन से फाइलम में आते हैं, कोरडेटा फाइलम में, और कोरडेटा में भी बहुत सारी क्लास है, कौन सी, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स है, तो ह्यूमंस कौन सी क्लास में आएंगे, मैमलिया क्लास में, ठीक है। और ये फैमिली होमिनिडी ये किससे हो जाएगी, होमो, ये होमो से याद आ जाएगी, जीनस क्या है होमो, तो फैमिली हो जाएगी होमिनिडी, और ऑर्डर प्राइमाटा, ये ऐसे याद रख लेना अगर ना याद रहे, प्राइमाटा यानी पिता माता। अब पिता माता कौन बोलता है, ह्यूमन ही बोलते हैं, जानवर तो बोलते नहीं, पिता माता, तो ये अपना क्लियर है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई।
फिर से इसका साइंटिफिक नेम सिंपल सा है, मस्का डोमेस्टिका। अब मस्का डोमेस्टिका में हमने नॉमन क्लेचर में किया कि इसका जीनस क्या हो जाएगा, मस्का। आगे वाला जीनस स्पीशी क्या हो जाएगी, डोमेस्टिका। अब हाउस फ्लाई हमें पता है कहां पे आएगी, कौन से किंगडम में आएगी, प्लांट में आएगी या एनिमल में आएगी। तो सिंपल सी बात है, हाउस फ्लाई है, मक्खी है, वो एनिमल किंगडम में आएगी। अब एनिमल किंगडम में भी कौन से फाइलम में आएगी, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी कहां पे आते हैं, अर्थ्रोपोडा में। और अर्थ्रोपोडा में भी अगर बात करें तो मक्खी एक तरह का इंसेक्ट है, तो ये क्लास कौन सी हो जाएगी इसकी, इंसेक्टा, है ना, क्लास क्या आ जाएगी, इंसेक्टा। और यहां पे इसकी फैमिली इससे याद आ जाएगी किससे, मस्का, एम फॉर मस्का, एम फॉर मसीडिया। ये पूरा ये मैच हो रहा है ना, जैसे इधर मैच हुआ था ऐसे इधर भी ये मैच हो गया, है ना। और इसको कैसे याद रखें, देखो इसको ऐसे याद रखना, मक्खी है ना, मक्खी हाउस फ्लाई, मक्खी के कितने पंख होते हैं, दो पंख होते हैं, तो ये याद आएगा डिप्टेरा, डी फॉर दो, डी फॉर डिप्टेरा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है मैंगो एंड वीट। देखो ये दोनों थे एनिमल और ये दोनों है प्लांट, तो एक बात तो क्लियर है, मैंगो एंड वीट किस में है, प्लांट किंगडम में। अब प्लांट किंगडम में भी इसकी डिवीजन करते हैं कि एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट कहां पे हैं, तो दोनों क्या है, दोनों एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म में भी बात करें तो मैंगो जो है वो है डाइकोट प्लांट और वीट जो है वो है मोनोकोट प्लांट। तो इतनी बातें क्लियर है। और ये इनका नाम से हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, तो जीनस क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा। और इधर ट्रिटिकम एस्टिवम, तो इसका जीनस क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब हमें इसके ये दो याद रखने हैं और इसके ये दो याद रखने हैं। तो वीट में तो देखो ये पोएसी याद रखने ना, पोएसी पोएल्स दोनों सिमिलर हैं, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लियर बात है। अब इसको कैसे याद रखें, ये और ये, इसको ऐसे याद रखना है। देखो मैंगो जब हम फ्रूट खरीद के लाते हैं तो तीन बहुत कॉमन फ्रूट है, मैंगो यानी आम, अनार और सेब, आम, अनार और सेब, ठीक है। ये मैंगो, ये फैमिली अनार से याद आ जाएगी कि एनाकार्डियसी, और सेब से क्या याद आ जाएगा, इसका ऑर्डर सेपिंडेल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से इसको याद रखने की कोशिश करना।